कहाँ है? भैया भगवान कहाँ? वो तो सब जगह विराजमान है। राम में भी भगवान है, राम भी भगवान है, और राम से ही संसार है, और कृष्ण भी भगवान है, और कृष्ण में भी भगवान है, और कृष्ण से ही संसार है। राम और कृष्ण में कोई भेद नहीं, ये तो लीलाओं का खेल है। जो राम और कृष्ण में भेद मानता है वो नाम अपराध के पाप को भोगना पड़ता है उसको। न राम बड़े न श्याम बड़े, बड़ा कौन? न राम बड़े घन श्याम बड़े, न तो राम बड़े है न श्याम बड़े, बड़ा कौन है? हमारी नजर में कोई पूछे महाराज जी, आप लोग तो सब विद्वान लोग हो, हमें लगता न राम जी बड़े न श्याम जी बड़े, भक्त बड़ा है जो दोनों को बुला लेते हैं। भक्त सबसे बड़े। अच्छा राम जी से भी पूछो, आप किसको मानते हो? वो कहते भक्तों को। अच्छा भक्तों को ना मानते होते, हमको बात बहुत अच्छी लगती है कई बार। देखो अगर हम ना होते, एक भक्त बिंदु कभी कभी बिंदु गोस्वामी जी कहते, सरकार आप कहते कि हम पापियों को उतारते हैं, अगर पापी ना होते तो तुम्हें सर्टिफिकेट पापी उतारने का कौन देता? आप विचार करो, अगर हम लोग पापी ना होते तो आप पतित पावन कैसे बन जाते? पतित पावन होने का सर्टिफिकेट भी तो पापी ही देते हैं। तो भक्त ना होते तो भगवान कौन कहता, और भगवान ना होते तो भक्तों की लाज कौन बचाता है? यही भगवान का स्वभाव है। भगवान तो भक्तों की लाज को बचाते हैं। दशा मुझ दीन की भगवान संभालोगे तो क्या होगा, अगर चरणों की सेवा में लगा लोगे तो क्या होगा। भगवान दशा को सुधारते हैं, इसीलिए भगवान का एक नाम दयालु है। तो भगवान कहां? जहां भक्त की हां, भगवान वहां रहते हैं, और भक्त तो सर्वत्र रहते हैं। भक्त जिस भाव में पुकारते हैं भगवान उसी रूप में प्रकट हो जाते हैं। यही भगवान का बड़ा सुंदर स्वभाव है। इसी स्वभाव के कारण कोई राम जी को मानता, कोई श्याम जी को मानता। चाहे राम जी को मानो या श्याम जी को मानो, दोनों एक ही है। लेकिन इसमें एक थोड़ा सा सुधार हम कहेंगे, अपने इष्ट को बड़ा छोटा मत मानो। अपने लिए ठाकुर जी बड़े, पर दूसरों के लिए राम जी भी तो हैं। और एक बात, भगवान कब सुनेंगे? आहाहा, भगवान तभी सुनेंगे जब श्री प्रियाजू सपोर्ट करेंगे। ठाकुर जी तभी सुनते हैं जब श्री प्रियाजू सपोर्ट करती हैं। प्रियाजू मतलब हमारे कन्हैया से मिलना है ना, तो एक काम कर, ठाकुरानी का नाम लो। ठाकुरानी का नाम लेंगे ना तो ठाकुरानी सपोर्ट कर देंगी कि ये बड़ा प्यारा भक्त है, कृपा कर दो। तो प्रभु ना भी चाहते होंगे सोई भगवान उठा करके बैठा लेंगे। इसलिए एक भाव गुनगुनाते हुए आज की कथा को शुरू करेंगे। क्या वो? कर दो कर दो, दोनों हाथ उठाकर कर दो बेड़ा पार राधे अलवेली सरकार, कर दो बेड़ा पार राधे अलवेली सरकार, ओ राधे अलवेली सरकार, राधे अलवेली सरकार, ओ राधे अलवेली सरकार, राधे अलवेली सरकार। यही है विनती, यही है विनती बारंबार, राधे अलवेली सरकार।
दोनों हाथ उठाकर हरि बोल। बाहर वाले भी बार बार श्री राधे हमको वृंदावन में बुलाना, बार बार श्री राधा हमको वृंदावन में बुलाना, बार बार श्री राधा हमको वृंदावन में बुलाना, बार बार श्री राधा हमको वृंदावन में बुलाना, आप भी दर्शन देना बिहारी जी से भी मिलवाना, आप भी दर्शन देना बिहारी दर्शन देना बिहारी जी से भी मिलवाना, आप भी दर्शन देना बिहारी जी से भी मिलवाना, यही है विनती। जबलपुर वाले जितने कंजूस हैं कहीं के नहीं होंगे, बाहर जो खड़े तुम लोग तो और कंजूस हो, उठा दो ना हाथ। राधा रानी बनते हैं सब काम, राधा रानी बनते हैं सब काम, छोड़ के सारी दुनियादारी आ गए तेरे धाम, छोड़ के सारी दुनियादारी आ गए तेरे धाम। कौन कौन ठाकुर जी के धाम आ गया है? तेरी कृपा से राधा रानी बनते हैं सब काम, सुन लो मेरी करुण पुकार।